कंपनी पार्क से हम निकल गए थे गाइस, और बच्चों की डिमांड पर अब हम जा रहे थे गुरट्टी, क्योंकि रब्बान और अर्श को खाना था वहाँ, मोमोज और मैंगो शेक पीना था, और वहीं डॉक्टर के यहाँ से मुझे अर्श के लिए ट्यूब भी लेना था। यहाँ बच्चों के डॉक्टर हैं, डॉक्टर कपूर, वहाँ से मैं अर्श के लिए ट्यूब लेने आई थी मेडिकल से उनके, तो यहाँ रास्ते में देखे हमें ये जलूस मिला था। पता नहीं किस चीज़ का जलूस निकल रहा था, बच्चे डांस कर रहे थे और घोड़े वाली गाड़ी भी थी, बहुत सारी यहाँ गाड़ियाँ थी डेकोरेट हुई और बच्चे डांस कर रहे थे, तो मैंने इसकी क्लिप बना ली थी। गर्मी की वजह से ना गाइस बच्चों के यहाँ दाने निकल रहे हैं, तो डॉक्टर कपूर बता रहे थे कि बरसात के दाने हैं, गर्मी से निकल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा ट्यूब था वो ले लिया था। बच्चों की डिमांड पे पहुँच गए हैं मुरारी चाट। अरे 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 इधर इधर आओ, अच्छा अच्छा चलो ले लो मोमोज, आओ आओ, कहाँ है कहाँ है। मैं आ गई थी गाइस अपने फेवरेट पनीर पकौड़े खाने। यहाँ का पनीर पकौड़ा इतना टेस्टी होता है कि जब भी आते हैं तो ज़रूरी खाती हूँ मैं तो। देखिए क्या ये इनकी रेट लिस्ट लग रही है सारी, और अर्श और रब्बान उधर बैठे हैं मोमोज के लिए वो बैठे। अभी टिक्की फ्राई हो रही है, बारिश भी हो रही है खूब तेज। अर्श और रब्बान खा रहे हैं मोमोज, स्टीम मोमोज, और ये है मेरे पनीर पकौड़े। कैसे हैं बच्चों, अच्छे हैं? और कुछ खाना हो तो खा लेना, सही है। हम यहाँ रोड पर बैठ के खा रहे थे पनीर पकौड़ा, और बच्चे खा रहे हैं मोमोज। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको पनीर पकौड़ा कितना टेस्टी है, देखिए बहुत ही टेस्टी होता है यहाँ का मुरारी का। मैं तो जब भी आती हूँ ज़रूरी खाती हूँ। अब मैं दिखाती हूँ रब्बान और अर्श कैसे खा रहे हैं। देखें गाइस ये दोनों कितना एंजॉय कर रहे हैं अपने रोड पे बैठ के खा रहे हैं मोमोज, और देखिए बारिश कितनी तेज़ हो रही है ज़बरदस्त। कभी कभी ऐसे भी अच्छा लगता है बाहर निकल के थोड़ा सा एंजॉय करना। बारिश बहुत तेज़ हो गई भाई, अब कैसे जाएंगे बच्चों। देखिए यहाँ ये पी रहा है मैंगो शेक, मेरा भी आ गया है मैंगो शेक, ये है रब्बान का मैंगो शेक। रब्बान कैसा है, टेस्ट किया, तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा। अब इन्होंने ऑर्डर किया है अर्श ने ओरियो शेक, और रब्बान पैक कराएंगे ओरियो शेक। और देखिए बारिश कितनी तेज़ हो रही है, हम यहाँ बैठे बारिश बहुत तेज़ है। वाह, ये आ गया है मेरा शेक, बढ़िया। और इनकी भैया की शॉप पे सारे ही फ्लेवर हैं। अब हम अपना शेक पीते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अभी अर्श का आ रहा है, अर्श अभी तुम्हारा आ रहा है। अर्श ने लिया है ओरियो शेक, अर्श दिखाना तुम्हारा कैसा ओरियो शेक, ओरियो बिस्किट डला हुआ, बढ़िया। तुम्हें रब्बान कैसा लगा मैंगो शेक? अभी रब्बान कह रहा है मैं ओरियो शेक भी लेना है मुझे, और बारिश में आपको दिखा दूँ, देखिए बढ़ती चली जा रही है, हम घर कैसे जाएंगे, बहुत तेज़ हो रही है बारिश। रब्बान ने भी ले लिया है ओरियो शेक, जूस की शॉप पर बारिश बहुत तेज़ है, जूस पी लिया लेकिन नहीं बैठे, वेट कर रहे हैं बारिश रुकने का। चिली पटेटो लिए हमने हाफ प्लेट, और हम तीनों शेयरिंग कर रहे हैं इसके अंदर, रब्बान अर्श और मैं। कैसे हैं बच्चों, अच्छे हैं? कैसे लगे रब्बान तुम्हें, और तुम्हें अर्श? यम्मी, देखिए कितने टेस्टी। गाइस हम पहुंच गए थे अम्मी के घर रब्बान को छोड़ने के लिए, बस रब्बान को छोड़कर और हम जाते हैं अपने घर।
गाइस हम गुरट्टी से अम्मी के आ गए थे और देखिए अम्मी ने बिचारियों ने अपी ने खाना लगा दिया है, लेकिन वहाँ कुछ खा लिया था तो भूख ही नहीं लग रही। अब मैं और जा रहे हैं घर, अम्मी के घर से आ गए थे गाइस और अब हम खा रहे हैं खाना। अम्मी ने बिचारियों ने खाना लगा दिया था लेकिन मुझे भूख नहीं लग रही थी। तो देखिए हमारा खाना यह है पनीर की सब्ज़ी और भुजिया। देखिए ये मैंने बनाई थी शलजम और पालक की भुजिया, मेरा बहुत दिन से दिल चाह रहा था और ये अर्जुन ही बनाया था पनीर। बस अब हम सब खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय ट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और खैरियत से होंगे और हम भी ठीक हैं। गाइस नेक्स्ट डे हो गया था और मैंने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। आज मैं बना रही थी अरहर और मसूर की दाल और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने सोफे की कवर आज हटाए हैं वॉश करने के लिए और मैंने अंदर के भी कवर वॉश कर दिए करने के लिए डाल दिए थे मशीन में। हमारे कवर गाइस वॉश तो हो गए थे, बस ड्राई हो रहे थे। मैं ड्राई करके ऐसे ही सोफे पर डाल देती हूँ और वो पंखे की हवा से खुद ही सूख जाती हैं। दो बार ड्राई करती हूँ और सुबह उठने के बाद मैंने समरसेबल भी चला दिया था, टंकी फुल कर ली थी, लेकिन कपड़े धोए बर्तन वॉश करे तो पानी हो गया था ख़त्म। मैंने फिर दोबारा समरसेबल भी चला दिया था। गाइस अब हम लंच कर रहे हैं और देखिए आज मैंने बनाई है अरहर मसूर की दाल। आज इसे हम रोटी से खाएंगे, मैंने चावल नहीं बनाया। और सैलेड है और ये हमारी कल की भुजिया है, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है इसलिए मैं इसे रख रख के खाती हूँ, मेरी बहुत पसंद है भुजिया। आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए और आप बताना कमेंट में आप अरहर और मसूर मिक्स करके बनाते हैं या खाली आप अरहर बनाते हैं। मैं थोड़ी सी मसूर ही मिक्स करती हूँ उसमें। देखिए गाइस आज मैंने बेडशीट भी चेंज करी थी दोनों, तो वो भी वॉश करके डाल दी हैं। या दीवान को भी पूरा आज क्लीन किया है। देखिए गाइस देखिए आज ने बनाई थी रात यहाँ आइसक्रीम, कितनी अच्छी लग रही है आइसक्रीम। मम्मी एक बोला दी मुझे प्लेट से सारा लोगे ड्राइस करा, कितनी अच्छी आइसक्रीम बनाई। अच्छा अच्छा लो ये पकड़ो टॉवल, लो टॉवल लो जल्दी पकड़ो। चलो देखिए अभी मैं यहाँ से कुछ साफ़ करके गई हूँ और आज ने देखिए टेबल पे फ्रीज का आइसक्रीम का जूस गिरा दिया। आज साफ़ करो, आज ये काम फैलाते रहते हैं मेरे लिए। और ये खाने के बाद आज प्लेट किचन में रख देना, टॉवल यहाँ डाल देना, पैर नीचे करो पैर नीचे। रात हो गई गाइस और हमने खाना भी खा लिया है, सब ने बर्तन वॉश कर दिए, किचन भी क्लीन कर दिया है। आज के डैडी के लिए मैंने एप्पल कट किया है उनको देने के लिए, खा लिया उन्होंने, थोड़ा सा छोड़ दिया, कह रहे हैं अभी खाऊंगा। और गाइस इस व्लॉग के एंड में यहीं करती हूँ, कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आज का जो हमारा व्लॉग था वो मिक्स था, वन एक दिन पहले का। अर्श आप सबको कुछ दिखाना चाहते हैं, अर्श ने कुछ एक्सपेरिमेंट करें, कुछ बनाया है, क्या बनाया अर्श? हैंड वॉश। अर्श ने बनाया है ये होम मेड हैंड वॉश। देखिए हाँ यहाँ से एक वो है होल करें इन्होंने, होल। अब देखिए गाइस मैं लगा कर दिखाता हूँ आपको, ये है, ये आ गया। इसको हम कर लेंगे रब अच्छे से साबुन, आह कितनी अच्छा है ये। अब वॉश कर लो, हाँ हैंड वॉश करो जाकर। कर का तुम गाइस, तो बस बच्चों के ही खेल होते हैं, पता नहीं क्या बनाया है इन्होंने, हैंड वॉश बना के बैठी हैं। अब गाइस हम भी चाह रहे हैं सोने। देखिए मैं कल से आ गया और मेरा साबुन कितने हो गए हाथ साफ, सीधे करके दिखाओ ना दिखने दो, साफ कितने हो गए, क्लीन हो गए एकदम एकदम क्लीन। चलो देखिए पहले बिल्कुल गंदे थे मेरे हाथ, अब देखिए क्लीन हो चुके हैं।